उदाहरण 25, समीकरण 3x^2 + 2x + 7 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। हल, समीकरण 3x^2 + 2x + 7 = 0 की तुलना ax^2 + bx + c = 0 से करने पर हमने देखा कि a का मान हमने निकाला, ज्ञात किया, a का मान ज्ञात किया 3, b का मान 2 और उसी तरह से c का मान 7 है। अब चूंकि मूलों का योगफल हम जानते हैं ऋण b बटा a होता है, इसीलिए मूलों का योगफल बराबर ऋण b बटा a में ऋण b का मान हमारे पास 2 है बटा a का मान है 3। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि मूलों का योगफल बराबर ऋण 2 बटा 3 है दिए गए समीकरण का। अब हम जानते हैं कि चूंकि मूलों का गुणनफल होता है c बटा a, इसीलिए मूलों का गुणनफल बराबर c का मान है 7 बटा a का मान हमने 3 निकाला है, तो मूलों का गुणनफल बराबर हमने 7/3 ज्ञात किया दिए गए समीकरण का। तो इस तरह से हमने देखा कि दिए गए समीकरण 3x^2 + 7x + 7 = 0 का मूलों का योगफल √2/3 एवं मूलों का गुणनफल बराबर 7/3 हमने ज्ञात किया। यह इस उदाहरण का हल होगा। सोचें एवं चर्चा करें, मूल ज्ञात होने पर क्या वर्ग समीकरण बनाया जा सकता है? बहुपद अध्याय की अवधारणाओं एवं मूल व गुणांकों के संबंधों के आधार पर वर्ग समीकरण के बनाए जा सकने की संभावनाओं की चर्चा अपने साथियों से करें।